So if we see PV diagram of an isothermal process, it will be something like this. It indicates nothing at all, क्योंकि देख के आपको पता ही नहीं चलेगा ये आइसोथर्मल है कि नहीं, बिकॉज इट इज पीवी डायग्राम, राइट? प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कि नहीं, वी कांट जज फ्रॉम पीवी डायग्राम। सो आपका नॉर्मल पीवी डायग्राम जैसा ही दिखेगा ये, बाकी सब में हम जज कर सकते हैं। जैसे भी हमने आइसो थर्मल देखा, आइसो बैरिक देखेंगे और देखेंगे, उसमें हम डायग्राम देख के हमको रफ आइडिया मिलेगा, बट फॉर आइसो थर्मल पीवी डायग्राम देख के हम बोल नहीं सकते कि वो आइसो थर्मल है कि नहीं है। इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, सिंस पीवी डायग्राम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टेम्परेचर। बट वन थिंग विच वी नो, सिंस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एंड द सेटअप विच वी अज्यूम्ड फॉर ऑल द प्रोसेसेस, दैट इज विल बी हैविंग अ सिलेंडर and in this cylinder will be enclosing ideal gas, will be having a piston which is massless, frictionless, right? Now for this case, if we compress this gas, remember when I compress, what will happen? The volume will decrease. If the volume decreases, what will happen to work? Work will change accordingly, right? Or agar isko hum expand karenge to bhi aapka volume change hoga, yahan pe volume decrease hoga compress karne pe। इसको एक्सपांड करेंगे मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। एक्सपांड करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंप्रेस करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, आपका वर्क अकॉर्डिंगली चेंज होगा। कंप्रेस करने पे वर्क आपका नेगेटिव होगा, एक्सपांड करने पे वर्क आपका पॉजिटिव होगा, बट इन रिटर्न आपका हीट भी वैसे चेंज होगा। तो जब कंप्रेस करेंगे तो आपका हीट रिलीज होगा उसके हिसाब से, एक्सपांड करेंगे तो हीट उसके हिसाब से चेंज होगा। तो इन दोनों का बीच का रिलेशन ऐसा होगा, कंप्रेशन और एक्सपांशन के हिसाब से आपका वर्क can be either negative or positive।